हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार स्प्रिंग रोल। इसे खाकर आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मैदे से नहीं गेहूं के आटे से बनी है। तो इसके लिए हम ले लेंगे एक कटोरी आटा, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले लें। थोड़ा सा अजवाइन डाला है, आधा चम्मच नमक और 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब इन सारे सूखे चीज़ों को अच्छे से हाथ से हम मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका सेमी स्टिफ सा डो तैयार करेंगे। तो जो आटा लगाएंगे वो ना बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा नरम। तो यहाँ पे हमारा आटा लग के तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। नॉनस्टिक कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और फिर डाल देंगे 1 मीडियम साइज का प्याज। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे। और फिर डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन घिसा हुआ और 2 हरी मिर्च मैंने बारीक कटी हुई डाल दी है, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। तो इन्हें भी हम हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट भूनेंगे और फिर डाल देंगे लंबे पतले कटे हुए 2 गाजर। तो सारी कुकिंग हमें हाई फ्लेम में ही करनी है। फिर हम डाल देंगे 1 शिमला मिर्च, इसे भी हम लंबा पतला काटेंगे और 2 से 3 मिनट इन्हें भी हम भून लेंगे। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। साथ ही हम डाल देंगे पत्ता गोभी पतली पतली लंबी कटी हुई। तो आधा पत्ता गोभी मीडियम साइज का मैंने इस्तेमाल किया है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सब्जियाँ ले लें। अब हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम अच्छे से सारी चीजों को मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस। अब बस फटाफट इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो सेजवान चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते, पर मैंने इसे नहीं डाला है। फ्रोजन स्वीट कॉर्न डाला है जो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे और फाइनली हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। तो मैंने बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसे मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई पे बनाया है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ऑयल डाल सकते हैं। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर हमारी स्टफिंग बन के तैयार है। आप चाहे तो इसमें हरा प्याज काट कर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे आटा भी सेट हो चुका है। तो इसकी हम छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे। पूरी के लिए जितनी बड़ी हम पेड़ा बनाते हैं उसी साइज का हम पेड़ा बना लेंगे। अब 2 एक ही साइज का पूरी हम बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसकी छोटी सी पूरी बेलकर हम तैयार कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे चारों तरफ फैला देंगे तेल को। अब इसके ऊपर छिड़क देंगे थोड़ा सा गेहूं का आटा, चारों तरफ आटा फैला देंगे। अब इसे दूसरी पूरी से कवर कर देंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हम इसकी रोटी बेल देंगे। तो रोटी को आप जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लें। तो बिल्कुल पतली सी रोटी मैंने बेल ली है। अब तवा जब हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे और 10 से 15 सेकंड एक तरफ सिकने के बाद फिर हम इसे पलट देंगे। तो हमें बहुत अच्छे से सेकना नहीं है, हल्का हल्का सा इसे दोनों तरफ से सेकना है। जब ये दोनों तरफ से अच्छे से हल्का हल्का सेक जाए तो ये दोनों रोटियाँ अपने आप ही अलग हो जाएंगी। दूसरी रोटी भी इसी तरह से हम सेक लेते हैं। दोनों तरफ से हमें हल्का हल्का सा इसे सेक लेना है, पूरी अच्छी तरह से हमें इसे नहीं सेकना है। दोनों तरफ से हल्का हल्का सेकने पे ये दोनों रोटियां अपने आप भी अलग हो जाएंगी। इस तरह से करने पे ये बहुत ही आसानी से अलग हो जाएंगी। तो इस तरह से हमें 2 पतली पतली शीट्स मिल जाएगी। ये देखिए, इन शीट्स को आप चाहे तो एक साथ बनाकर तैयार कर लें।
तो इन सीड्स को इन इस तरह से कपड़े में लपेट कर हम रखेंगे। अब मैंने आधी कटोरी के लगभग आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह से थिक सा पेस्ट तैयार कर लेंगे हम। अब जो हमने रोटी बनाकर तैयार की थी उसमें हम स्टफिंग को रखेंगे और चारों तरफ इस तरह से पेस्ट को लगा लेंगे और जिस तरह दिखाया गया है उस तरह से हम इसे रोल कर देंगे और एंड में फिर से वो पेस्ट लगाकर इसे अच्छे से सील कर देंगे ताकि ये खुले ना। अगर कहीं भी खुला रह गया है तो उसे हम थोड़ा सा और पेस्ट लगाकर आटे का इसे सील करके इस तरह से हम तैयार कर लेंगे सारे स्प्रिंग रोल्स को। ये देखिए, अब तेल को अच्छा हम गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें इन स्प्रिंग रोल्स को डाल देंगे और डालने के बाद फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे। तो ये रोटियां पहले से सिकी हुई हैं तो इन्हें फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। तो सारे स्प्रिंग रोल्स को इसी तरह से हम फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल सुपर क्रंची और टेस्टी हमारा गेहूं के आटे से बना स्प्रिंग रोल तैयार है। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।